गोल लगातनी समाचार बक्सर से बटुए रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। बड़ा खबर बटुए, खबर के हेडलाइन ही बा कि अपन बुजुर्ग माता पिता के ख्याल ना रखब तो होई कार्रवाई। जी हाँ, खबर ये है बटुए। बक्सर समाहरणालय से जिला जनसंपर्क कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति जारी कैले बटुए। ये प्रेस विज्ञप्ति आज ही जारी भइल बा। पूरा राज्य में माई बाबू और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण और कल्याण खातिर बिहार माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण नियम 2012 लागू बटुए। 60 वर्ष अच्छा है एकरा से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक अगर कोनो दिक्कत होता तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDO के सामने अपन शिकायत दर्ज करा सकता रह। इन नियमावली परिवार के वरिष्ठ माता पिता के जिम्मेदारी पे वहन करे खातिर जवाबदेह बनावती है, यानी कि अपन माई बाबू के प्रति रोरा जवाबदेह बानी, जिम्मेवार बानी, उनका के ठीक से राखी। देखल गइल बा, एहमे लिखल बा कि विगत वर्ष में अनुमंडल स्तर पे 11 मामला में वरिष्ठ नागरिक लोग के राहत पहुँचावल गइल बा। यह अधिनियम के तहत अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर आ डुमराव SDO बक्सर SDO डुमराव के द्वारा कोशिश कई जाला कि सुलह के माध्यम से परिवार के निपटारा कई जा सके। कुछ मामला में भरण पोषण खातिर जिम्मेदार लोग पे कार्रवाई भी कईल गई बा। ऐसे माई बाबू और वरिष्ठ के श्रेणी में ही हैं, वो शोषित हुई हैं, अपन शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी के भीरी ले हैं तो अनुमंडल स्तर पे एकरा खातिर लीगल सेल भी गठित बा, जहां से ये लोग के विधिक सलाह प्राप्त कईल जा सकेला। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ई लेटर जारी कैले बानी। तो सीधा बात बटुए कि माई बाबू जो वरिष्ठ हो गई बा, अधिकतर देखे में आवेला कि माई बाबू के लोग अलगा कर देवल, उनकर खान पान के भी व्यवस्था ना करेलन, ऐसा लोग पे अब कार्रवाई हुई। आ कार्रवाई तो पहले ना हुई, पहले समझावल बुझावल जी या ना मानला पो कार्रवाई हुई। ऐसे अब से रौरा ना जाना थोखब तो आज से जान ली। ये नियम तो बहुत पहले से बनल बा, लेकिन ढेर लोग के पते ना रहे, अब खेला जाए के पड़ी। शेयर करी दबा के। बहुत बहुत धन्यवाद।